क्या हाल है दोस्तों। आज हमारे पास ओप्पो A70 है। इसमें दिक्कत यह है कि ये मोबाइल रीस्टार्ट हो रहा है। देखिए आप, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है ये मोबाइल, ये देख सकते हैं बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। अब हम इसे ओपन करेंगे। बैक पैनल वगैरह हमने पहले ही ओपन कर दिया था, बैटरी को निकाल लेंगे। रबड़ निकाल दी। अब ये टच का पत्ता है, ये डिस्प्ले का पत्ता है। एंटीना वायर को निकाल देंगे। अब हम मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे, बिल्कुल आराम से चुम्बटी ले लेंगे, उसके साथ निकाल लेंगे। ये देखें, इसमें सबसे पहले आपने ऑन ऑफ स्विच को चेक करना है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि हम जैसे रीस्टार्ट होता है हम सॉफ्टवेयर करा देते हैं, फिर उसके बाद उसमें ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, वो ठीक नहीं होता। तो सबसे पहले आप इसे ओपन करके इसका ऑन ऑफ स्विच को चेक कर लें। ये देखिए इसका ऑन ऑफ स्विच का पत्ता है, वो ख़राब है। इधर से भी आपको चेक करा देते हैं, ये देख सकते हैं ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब हम इसका ऑन ऑफ स्विच का जो पत्ता है वो चेंज कर देंगे। हम चुम्बटी के साथ ही निकाल लेंगे बिल्कुल आराम से। अगर आपके पास कोई स्विच पड़ा है सेम ऐसा तो आप वो भी लगा सकते हैं, अगर नहीं पड़ा तो पत्ता भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसे अलग रख लें, जब आपके पास कभी स्विच आए तो चेंज कर सकते हैं। इसे निकाल देंगे सबसे पहले। तो हम इस पर ये जो ऑन ऑफ स्विच का पत्ता है इसे भी आराम से निकाल लेंगे, ये भी काम आ सकता है। ये निकल चुका है। अब हम दूसरे स्विच को लगाएंगे। सबसे पहले हम उसे चेक कर लेंगे वो ठीक है या नहीं। ये बिल्कुल ओके है। इधर से हम दबा कर भी एक बार चेक करा देते हैं आपको। हल्का सा दबा देते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल ओके है। तो अब हम इसके अंदर लगाएंगे इस एंटी के अंदर। तो कई बार क्या होता है किसी के पानी वगैरह लग जाता है, उसके कारण से ये ख़राब हो जाता है। तो आप एक काम करें, थोड़ी सी पेस्ट लगा दें हल्की सी, यहाँ हल्की सी पेस्ट लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर हल्की सी पेस्ट लगा देंगे ताकि ये लग जाए इसके साथ, क्योंकि इसके ऊपर जो टेप होती है वो उतर जाती है। अगर नया भी लेंगे तो उसमें भी लगानी पड़ती है। ये देखिए हल्की सी लगा दी है। तो अब हम इसको लगा देंगे। इसको लगाना बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि इसके अंदर कट दिए हुए हैं दो छोटे छोटे ब्रिक ब्रिक। ये देखिए ये फिट हो गया। अब हम इसको इधर फिट हो गया, अब इधर भी फिट कर देंगे। ये देखिए इधर भी फिट हो गया। इसको हमेशा ध्यान रहे, जब भी आपने लगाना है ये एंटीना वायर नीचे आएगी। कभी भी किसी मोबाइल की एंटीना वायर जैसे बाहर निकल जाए तो हल्की हल्की पेस्ट लगा दें, वो दिक्कत नहीं है। कई बार पैनल बंद करने के लिए दिक्कत आ जाती है। ये देखिए हमने साफ कर दिया। अब हम इसके अंदर मदरबोर्ड लगाएंगे। ये देखिए मदरबोर्ड हम लगा दिया इसके अंदर। ये लगा दिया। तो हम टच का पत्ता लगा देंगे। टच का पत्ता लगा दिया, बैटरी को लगा देंगे। तो हम आपको इसे चेक कराएंगे भाई।
तो ये हम निकाल लेते हैं। अब हम बैटरी को लगा देंगे। ये देख सकते हैं चेक करा देते हैं एक बार ऑन करके। ये देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो चुका है, टच वगैरह बिल्कुल ओके काम कर रही है। इसमें जो पत्ते की दिक्कत थी, पत्ता हमने चेंज कर दिया, अब हम इसे फिट कर देंगे। कभी भी दिक्कत आए सॉफ्टवेयर ना कराएं, सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच को चेक कर लें। ये हमने लगा दिया इसके अंदर जो है कैमरे के लिए होता है, ये पेच लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखिए, ये देख सकते हैं। बाकी कभी भी पेच लगाना है तो सेम मिलाकर ही लगाएं, अलग पेच लगा देंगे तो कई बार डिस्प्ले क्रैक हो जाती है, छोटा बड़े पेच का दिक्कत होता है, बड़ा पेच लग जाता है कई बार। इसे हम इधर लगा देंगे। बिल्कुल आराम से लगाएं। और अब एक अब हम इसे एक बारी और चेक कर लेंगे। ये देखिए प्रॉपर चल रहा है। इस साइड जैसे ये पिन नहीं है तो इसके लिए हम डबल टेप को लगा देंगे ताकि कभी डिस्प्ले वगैरह ही लेना। ये देखिए यहाँ लगा देंगे, थोड़ी सी इसके ऊपर लगा दें। हल्की सी लगाएं ताकि ज़्यादा ना लगाएं, हल्की सी लगा दें। एक पेच और है ये भी लगा देते हैं। यहाँ लगेगा, सॉरी, क्योंकि इधर लगा देते तो डिस्प्ले क्रैक हो सकती थी, मिडल से पेच निकल जाता तो डिस्प्ले टूट सकती। अब हम इसे थोड़ा साफ करके फिट कर देते हैं। ये देखिए ये हमने फिटिंग कर दिया। रबड़ में भी दिक्कत लग रही है, बाकी चल गया पेच। ये देखिए प्रॉपर ही काम कर रहा है, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, आपके पास कभी भी ये दिक्कत में मोबाइल आए तो आप उसे सॉफ्टवेयर के लिए ना दें, पहले उसका ऑन ऑफ स्विच को चेक कर लें तो ये प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगी। धन्यवाद सर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर।